ओबीसी महासभा ने शनिवार को ग्वालियर के सिलोल थाने पर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया है। महासभा के पदाधिकारियों ने सिलोल थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर इलाके में अवैध वसूली और झूठे मामले में फंसाने और जबरिया पुलिस कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। ओबीसी महासभा ने सीएसपी को ज्ञापन सौंपा है। थाना प्रभारी सहित दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि वाटर प्लांट चलाने वाले नीरज यादव और प्लांट कर्मचारियों को सिरोल थाना पुलिस ने झूठे प्रकरण में फंसाया है। साथ ही लोग जब नीरज यादव से मिलने थाने पहुंचे तो उनको भी जबरन झूठे केस में फंसा दिया। ये ओबीसी महासभा के द्वारा थाना सिरोल के थाना प्रभारी और कुछ उनके स्टाफ के द्वारा कुछ कार्रवाइयों को लेके विरोध जताया गया है, तो उस चीज़ वो ज्ञापन लिया गया है उनका और उस चीज़ की हम लोग जांच करा लेते हैं। जांच पे जैसी सूरत होगी उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।